अगर आप लोग COVID-19 की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं तो अब आपके लिए जरूरी है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अब वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी भी जॉब के लिए जाते हो या फिर कहीं भी ट्रैवल करते हो तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। पहला तरीका होगा व्हाट्सएप वाला, दूसरा तरीका होगा क्रोम वाला। दोनों तरीके ही बहुत जबरदस्त हैं, जो भी तरीके आपको सूटेबल लगते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब वो इसलिए क्योंकि आप लोग आगे वीडियो देखेंगे और लाइक करना भूल जाएंगे, इसलिए लाइक जरूर करें। तो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीष पर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली ट्रिक व्हाट्सएप वाली ट्रिक है और इस ट्रिक के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो जिस भी नंबर से आपने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करा था उसी नंबर से आपका व्हाट्सएप नंबर बना होना चाहिए, तभी आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को व्हाट्सएप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सेकेंड ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट ट्रिक पर फोकस करते हैं। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। ये कोविड सर्टिफिकेट के लिए ऑफिशियल नंबर है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर है 9013151515, ठीक है। तो इसको सेव कर लेना है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपके फ्लैश हो रहा होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि व्हाट्सएप पे जाके यहाँ पे मैसेज करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये नंबर सेव कर रखा है। और यहाँ पे हम लोगों को मैसेज करना होगा कोविड सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज को सेंड कर देना कुछ इस तरीके से। और जैसे हम मैसेज को सेंड करेंगे यहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर पे एक OTP आने वाला है, तो हमको ये OTP यहीं पे इंटर करना होगा। तो ये OTP 30 सेकंड के अंदर अंदर हमारे फ़ोन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है 609130। तो यहाँ पे मैं OTP को इंटर कर दूंगा। और जैसे मैं OTP को इंटर करूंगा यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है वी आर कन्फर्मिंग योर OTP, दिस मे टेक अप टू 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं क्योंकि इस नंबर से दो लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन थे। तो हम लोग किसका डाउनलोड करना चाहते हो, तो सिंपली हमें 1 या 2 टाइप करना होगा। तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 करेंगे एंटर, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेंबर का जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला हियर इज योर COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो ये हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आ गया है। जस्ट हम लोग इसको PDF के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे PDF में जाएंगे और ये रहा हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरी ट्रिक से सीखते हैं कि हम लोग किस तरीके से COVID-19 के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम के जरिए। तो हम लोगों को क्रोम में आना और यहाँ पे सर्च करना है कोविन। तो यहाँ पे मैं क्रोम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्रोम ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्रोम यूज़ करना है। तो हम लोगों को कोविन सर्च करना है गूगल में आके, और उसके बाद हम लोगों को फर्स्ट वाली वेबसाइट पे चले जाना है। तो वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब हम लोगों को क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन पे, रजिस्टर एंड साइन इन जो ऊपर लिखा हुआ है इस पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे पेज लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे जिस भी नंबर से हमने वैक्सीनेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन करा था उसको उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके बाद हम लोगों को गेट OTP पे क्लिक करना है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और हमारे नंबर पे OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड जिसे हम कहते हैं। तो ये आ गया, तो हम लोग इंटर कर देंगे 831787, ठीक है। और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा जो है सारा डिटेल आ जाएगा कि इस नंबर से कितने सारे वैक्सीनेशन लगे हुए हैं या कौन कौन के लगे हुए हैं। तो सिंपली अगर हम लोगों को सागर का डाउनलोड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स के एक ही नंबर से रजिस्ट्रेशन है तो सिंपली हम लोग सिलेक्ट करके उनके भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वाला आ रहा है और दोनों डोज लगे हुए हैं। तो हम लोग सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड हमारा सर्टिफिकेट हो गया है और अब हम लोग इसको व्यू कर सकते हैं। और ये यहाँ पे हमारा जो PDF में व्यू हो रहा है हमारा जो सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट वगैरह भी करवा सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्टली आप PDF भी सेंड कर सकते हैं जहाँ से आप प्रिंट वगैरह निकालते हैं। एंड अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप डायरेक्टली इसी का प्रिंट
डॉक्यूमेंट निकाल के यूज कर सकते हैं कहीं भी। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, और आपको दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।